वेलकम बैक इंस्टीट्यूट गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 9 हीरोन के सूत्र अर्थात 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ चुके थे, उसी प्रकार आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे अर्थात प्रश्न संख्या 4 पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, मतलब एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, उसका जो आधार है वो एक ही है और क्षेत्रफल भी एक है। मतलब समझिएगा ठीक है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है बेटा वही किसका है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। किसका बेटा, समांतर चतुर्भुज का क्या है बेटा, क्षेत्रफल है। अर्थात जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही किसका क्षेत्रफल है बेटा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि देखा जाए तो यहां पर हम चित्र नहीं बना सकते, उसके कारण क्या है, क्योंकि चतुर्भुज की भुजाएं नहीं दी गई। एक काम कर सकते हैं, काम क्या कर सकते हैं, यहां पर गौर से देखिएगा, आगे कहा गया है यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, मतलब हमें दिया क्या गया, तो हमें त्रिभुज की भुजाएं दी गई। क्या दी गई बेटा, त्रिभुज की भुजाएं। अब त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर, सी बराबर बेटा 30 सेंटीमीटर, इतना दिया गया। और कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज का आधार, मतलब समझिएगा समांतर चतुर्भुज का आधार दिया गया, का क्या दिया गया बेटा, समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है तो 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है संगत ऊंचाई, एक पॉइंट समझिएगा, आधार दिया गया संगत ऊंचाई, तो एक पॉइंट याद रखिएगा ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला होता है आधार गुणे संगत ऊंचाई, आधार गुणे क्या बेटा, संगत ऊंचाई। गौर से समझिएगा, आधार दिया गया आधार रख लेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो पॉइंट समझिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसी के बराबर हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, आधार हमें पता है, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो संगत ऊंचाई और वही हमसे पूछा, तो पॉइंट समझिएगा, यहां पर निकालते हैं त्रिभुज का, किसका बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पॉइंट समझिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और बेटा एस माइनस सी। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई ना, यहां पर अब एस, तो एस कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा मैं एक पॉइंट यहां पर बता दे रहा हूं ठीक है बेटा, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2, समझ में आया ना, तो एस बराबर 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे का कितना 2, इनको ऐड करेंगे तो एस बराबर 8 6 14 4 हासिल आए, 3 9 5 5 9 7 और 7 1 8 बटे का 2 2 4 को 8 और कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर आ गए बेटा 42 सेंटीमीटर। यहां पर रख देते हैं अंडर रूट एस का मान 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, घटा लेते हैं अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा 42 ठीक है, 42 में 26 गया तो 12 में 6 गया तो 6 बचा 3 16 ठीक है, कितना आ जाएगा 12 में 4 8 गया तो कितना 4, 3 3 में 2 गया तो 1 ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 2 और 1, समझ में आया ना ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा, अंडर रूट के अंदर है, इसको तोड़ लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं बेटा तोड़ लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दरअसल गौर से देखिएगा, यहां पर 42 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इतना छोड़े दे रहा हूं ठीक है, यहां नीचे हल किए दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा 42, तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 42 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 7, 7 6 42,
16 की बात करें तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। 14 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 7 × 2, ठीक है। 12 की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा 6 × 2। जोड़ा बनाते हैं, एक साथ ये 7 बाहर आ जाएगा, 4 के जोड़ा बनाते हैं 4 बाहर आ जाएगा, गुणे 6 और ये 6, तो 6 बाहर आ जाएगा, गुणे बेटा 1 × 2 बाहर निकल आएगा। तो क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, 7 × 14, 6 × 24, 24 × 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 56, 56 × 6 हजिला 5 और 28, 28 × 5 = 33, तो कितना आ जाएगा बेटा 336 cm². किसका क्षेत्रफल है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज का 336 cm² है तो समांतर चतुर्भुज का कितना होगा 336 cm². एक काम करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 336 बराबर आधार, आधार दिया गया है समांतर चतुर्भुज का, आधार बराबर 28 गुणे संगत ऊंचाई की जगह h मान लेते हैं, ये इधर गुणे में उधर जाएगा किसमें बेटा भाग में, तो h बराबर आ जाएगा 300 कितना बेटा 36/28, समझ में आना। इसको कट करते हैं, सबसे पहले 2 से कट करते हैं, 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 14 सीधा 14 से कट करते हैं, 14 × 1 = 14, 2 × 14 = 28, 14 × 1 = 14 पूरा कट गया, तो ये आ जाएगा बेटा 12 cm। एच का मान कितना आ जाएगा बेटा, अर्थात जो संगत ऊंचाई होगी तो h बराबर कितना आ जाएगा बेटा 12 cm। यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर। थोड़ा ध्यान से सवाल लगाइएगा, समझ में आना, बस एक तरफ से लगाइएगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा, सवाल आपको जरूर आएगा, समझ।